हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 10:33 और बस नाश्ता वगैरह करके बस थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, अब आपसे बात कर रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही ब्लॉग बना देती थी, मतलब भूत की तरह बनी रहती थी, ब्लॉग शुरू कर देती थी तो कमेंट आता था कि दीदी थोड़ा सा तैयार हो जाया करो तब बनाया करो वीडियो। तो इस वजह से थोड़ा सा, मतलब बस जो नॉर्मल रूटीन वाला होता है बस वही थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से अभी मैं कर रही हूँ व्लॉग्स को स्टार्ट। और बस आज है सैटरडे तो बच्चों का होगा हाफ डे, बच्चों का नहीं मतलब अभी आरुष का 4:30 को ही होगा इवनिंग में, लेकिन दक्षिता का 1:10 पे होगा। तो उसके पहले पहले सारे काम निपटा लेने हैं। हालाँकि खाना सुबह ही बन गया क्योंकि आज से हर सैटरडे उसका फुल डे रहेगा, मीन्स 4:30 तक रहेगा, तो लंच उसको लेके जाना पड़ेगा। तो इसने तो होता क्या था, सैटरडे को बस स्नैक्स वगैरह बच्चे लेकर के जाते थे और फिर मैं बीच में खाना वगैरह बना लेती थी, दोपहर का लंच वगैरह लेकर के आती थी तब खाते थे वो लोग। लेकिन अभी क्या है कि सब कुछ बन गया, सुबह ही राइस बनाना ही था, हस्बैंड को दाल खानी थी, तो बस सब कुछ बन चुका है खाना। अब कर रही हूँ घर के जो नॉर्मल के काम है वो सारे काम अभी पड़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ की हालत कुछ ऐसी हो रखी है और बस पूरे घर की हालत अभी अस्त व्यस्त है, बस अभी इन सबको सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर आप मेरे ब्लॉग में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो बस देखिए, लग गई हूँ घर के कामों में और बस सबसे पहले मैंने सोचा पहले रूम को सही कर देते हैं, क्योंकि आज हस्बैंड घर पे हैं, उनका सैटरडे को ऑफ रहता है, तो उनको मैंने अभी भेजा था, चावल ख़त्म हो गए थे तो वो लेने गए हैं। तो मैंने सोचा पहले ये वाला रूम सही कर देती हूँ, क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन, मतलब उनकी छुट्टी होती है, मतलब वो सोते रहते हैं मोस्टली, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले रूम को सही कर देते हैं ताकि वो आकर के अपना सोना हो तो सोएँ और बाकी के काम जो हैं घर के वो मैं निपटा लूँ। तो बस देखिए, ये वाला रूम सही कर दिया है मैंने अच्छे से, दूसरे वाला रूम रात में ही सही कर दिया था। और बस किचन की हालत कुछ ऐसी अभी हो रखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है, तो बस अभी इसको भी फटाफट से पहले सारे बर्तन लग गई हूँ क्लीन करने के लिए। और इसके पहले मैंने लगा दी थी मशीन, बस वही बच्चों के यूनिफॉर्म थे और साथ में कुछ कपड़े थे, तो बस धूप निकली थी तो मैंने सोचा चलो धुल भी लेते हैं साथ के साथ, नहीं तो कुछ पता नहीं है कि शाम को बारिश आ जाए या फिर सुबह दूसरे दिन बारिश आ जाए। तो धूप थी तो बस इसलिए मैंने सोचा कि लगा देती हूँ, धुल जाएंगे और साथ के साथ सूख भी जाएंगे। और बस देखिए, यहाँ पे सारे बर्तन क्लीन हो गए थे तो बस अब इसको यहाँ पे किचन को अच्छे से कर रही हूँ क्लीन। बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो गए थे, मतलब बस बर्तन धुलने का ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया था, तो मैंने काफ़ी कुछ काट पीट किया है इसमें से एडिटिंग के टाइम पे। और बस देखिए, अभी नॉर्मल जो क्लीनिंग होती है ये जो है मेरा डेली का है, ये इतना काम मुझे डेली ही करना रहता है, मतलब सुबह में भी या फिर अगर दोपहर में भी कुकिंग करनी हो या फिर रात में करनी हो, तो तीनों टाइम का ऐसा क्लीनिंग रूटीन मैंने अपना बना रखा है। तो ये किचन क्लीनिंग जो है ना, मतलब ये इतनी चीज़ें डेली बेसिस पे अगर करो ना तो बहुत अच्छा रहता है, किचन आपका साफ़ सुथरा रहता है। बस यही है कि जो डेली रूटीन वाली लाइफ है उसमें इन सब चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करती हूँ मैं, कि मतलब कम से कम घर ऐसा रहे, इतना तो करके रखो डेली वाला जो क्लीनिंग है, ताकि एक साथ अगर कभी करना पड़े तो बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो, बहुत आराम से सब कुछ हो जाए। तो बस देखिए, यहाँ पे किचन हो गया अच्छे से क्लीन। और वैसे तो रात में धोती हूँ ये जो गैस स्टोव का स्टैंड होता है, लेकिन हुआ क्या था, रात में थोड़ा दूध गिर गया था और वो भी रात को, मतलब सोने से पहले मेरा मन कर रहा था दूध पीने का, तो मैंने वो गर्म किया, वो थोड़ा सा निकल गया, तो बस इस वजह से उसको मैंने इस टाइम अच्छे से कर दिया है क्लीन, स्टैंड को भी साथ में, ये जो प्योरीफायर है आरो इसको भी मैंने क्लीन किया। और बीच बीच में मैं कपड़े भी चेक कर रही थी, धुल गए थे तो उनको खंगाला, सुखाया, ये सब कुछ, मतलब ये सुखाया नहीं था, खंगालने लगाया था मैंने उसको,
और बस यहाँ पे किचन की टाइल्स वगैरह भी एक बार डेली पोछ दो। एक तो ना सबसे बड़ी बात ये, एकदम वाइट कलर की टाइल्स हैं तो ज़रा सा भी कोई भी स्टेन रहता है ना ऑयल का या फिर सोप का ही बर्तन धोते समय, तो बिल्कुल विजिबल होता है, वो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो ये इतनी चीज़ें मैं डेली करती ही करती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पे हो गया किचन क्लीन। और हाँ, आपको अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगे तो मेरी तबीयत बिल्कुल अचानक से शाम को 6 बजे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं किस कंडीशन में ये वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। मतलब मेरे से आप सोच लो बोला नहीं जा रहा है इस टाइम पे, लेकिन वीडियो अपलोड करनी है नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। वैसे भी आज लेट हो चुका है, वैसे मैं 8 बजे तक अपलोड करती हूँ वीडियो को, लेकिन आज हो गया है लेट। बस अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत मेरी अचानक से बिल्कुल ख़राब हुई। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे सारे काम हो गए थे किचन के और कपड़े धुल गए थे, तो इसको एक स्लॉट मैंने सूखने लगा करके और फटाफट से पूरे घर में लगाया पोछा। इसलिए मैंने डोर वगैरह ओपन कर रखा है ताकि जो नॉर्मल हवा चलती है उसी से फर्श वगैरह सूख जाए, क्योंकि लाइट तो थी नहीं, लेकिन ये था कि दोनों स्लॉट के कपड़े जो हैं वो सूख गए थे। खैर कपड़ों को छत पे मैं डाल करके चली गई थी बच्चों को लेने स्कूल, बच्चों को नहीं बस दक्षिता को लेने के लिए, क्योंकि आरुष को तो 4:30 बजे आना है। बस वही दक्षिता को लेकर के आई, साथ में जो डेली वाले सामान होते हैं उसको भी मैंने साथ के साथ सुपरमार्केट से लिया और वापस आ गई घर। और बस घर आ कर के यहाँ पे बस दाल को कर रही हूँ गरम, सब्जी नहीं मैंने बनाई थी। पूछा मैंने आलू भुजिया खाना है तो बताओ, तो बोलती है कि नहीं बस मुझे चावल दाल दे दो घी डाल करके, तो बस उसको मैंने वो दिया। और मैंने भी थोड़ा सा चावल दाल प्लस मिर्च का अचार खाया था। तो बस आज का सिंपल लंच था और हस्बैंड अभी सोए हुए थे तो उन्होंने अभी नहीं खाया था। और बस देखिए यहाँ पे मैं अलग बैठ के खा रही हूँ, अपना टीवी देखते हुए खा रही है। और इसके बाद से मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, बस 1 घंटे के लिए। सो करके उठी तो देखा हल्के हल्के से बादल से लग रहे हैं, तो बस छत पर आ गई थी सबसे पहले कपड़े लेने के लिए कि कपड़े वगैरह उतार लेती हूँ टाइम से, नहीं तो कभी भी बारिश आ जाएगी तो सारे गीले हो जाएंगे। वैसे सूख गए थे सारे कपड़े क्योंकि जब डाले थे मैंने तब धूप थी। और यहाँ पे नीचे आकर के सबसे पहले मैंने कपड़ों में लगाया फोल्ड, क्योंकि ऐसे रख दो ना तो एकदम सिकुड़ से जाते हैं कोई कोई कपड़े, तो बस टाइम था तो मैंने सोचा फोल्ड कर देती हूँ साथ के साथ ही। और यहाँ पे दक्षिता भी मेरी हेल्प कर रही है, वो हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि उसको खाने थे पैनकेक्स, तो उसने मेरे से बोला था, तो मैंने बोला कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ उसके बाद से बनाती हूँ, लेकिन बस ये कह रही है नहीं मैं भी करवा देती हूँ जल्दी से हो जाएगा फिर आप जल्दी से बनाना। और इसको दिमाग पे इसलिए चढ़ा पैनकेक का ना क्योंकि ये टीवी देख रही थी और उसमें कोई खा रहा था, तो इसको भी मतलब ये हो गया कि पैनकेक खाना है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे साथ जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह फोल्ड करवा रही थी कि फ़ोल्ड करवा देती हूँ मम्मा जल्दी से फिर आप बनाना। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े हो गए हैं सारे फोल्ड, अब अलमारी में बाद में रखूँगी। हो रहा था टाइम करीब करीब अभी 4:30, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो टाइम से बना देते हैं क्योंकि मुझे ब्लॉग भी अपलोड करना था, तो इसलिए भी। तो बस अभी देखिए कपड़े हो गए हैं फोल्ड और बस रूम को थोड़ा सा सही किया, जैसे ना बेडशीट थोड़ी सी सिकुड़ ही जाती है बैठो तो बस इसलिए इसको सही करके देखिए आ गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैंने सोचा पहले चीनी पीस लेते हैं पैनकेक में डालने के लिए, तो बस हाफ़ कटोरी के अराउंड मैंने यहाँ पे चीनी ली, हाफ़ कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और बस इसको थोड़ा सा मिक्सी में मैंने पीस लिया ताकि अच्छे से इसका पाउडर बन जाए। और आज जो पैनकेक मैं बना रही हूँ इसको मैं गेहूँ का आटा और मैदा दोनों मिक्स करके बनाऊँगी, तो बस 1 कटोरी मैंने लिया है गेहूँ का आटा छान करके और साथ में 1 कटोरी ही मैदा यहाँ पे ले रही हूँ। और बस इन दोनों को एक ही बाउल में मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर डालूँगी मिल्क पाउडर है ये, तो ये 10 रुपये वाला जो पैकेट आता है वो मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1 पैकेट और इसमें ऐड कर दिया, तो ये भी करीब आधी कटोरी हो गई थी, इसको मैंने डाला है यहाँ पे। साथ में ये अब जो चीनी पीस के मैंने रखी थी अभी इसको ऐड करूँगी। आप चाहो तो इसके अंदर वनीला एसेंस डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो बस देखिए यहाँ पे चीनी ऐड किया मैंने और अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा आधा चम्मच के करीब,
और बस अब सारी चीज़ें मैंने बाउल में ले ली हैं। अब इसको पहले सूखे ही अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, मतलब आटा मैदा जो भी है। और अब इसमें रूम टेम्परेचर वाला दूध है, जैसे दूध फ्रिज में था तो हल्का सा मैंने गर्म किया बस इतना कि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और इसको छन्नी से छान लिया है मैंने, और ताकि मलाई वगैरह ना आए। और बस थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें बैटर में, और इसका कुछ इस तरह का बैटर बनाना है जैसा हम केक बनाते हैं, जैसी कंसिस्टेंसी होती है उसकी, तो बस वैसा इसका बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो बस देखिए यहाँ पे बैटर हो गया है तैयार, और बस मैंने चढ़ा दिया है, एक नॉनस्टिक तवा है ये, इस पे हल्का सा डाला है 2-3 बूंद के करीब रिफाइंड ऑयल, और साथ में ही इसको टिश्यू पेपर से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद बस जो हमने ये बैटर तैयार किया है पैनकेक का, ये मेरी ना कड़छी बहुत छोटी है तो मैंने 2 कड़छी भर के इसमें डाली है। और बस अब इसको ऐसे ही ढक करके थोड़ी देर के लिए एकदम लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। तो बस देखिए इसको मैंने ढक दिया है, और करीब करीब 1 मिनट ऐसे धीमी आंच पे पकने के बाद इसको फ्लिप कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी पक जाए। और इसको तभी फ्लिप करना है जब ये एक तरफ से कुक हो जाए, और ना जब एक तरफ से ये कुक हो जाएगा तो ऊपर का जो एरिया रहेगा सरफेस वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और तभी इसको फ्लिप करना है। और बस दूसरी साइड भी थोड़ी देर के लिए कुक करके बस इसको उतार लेंगे पैन पर से। तो बस देखिए इधर जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं मैं बीच बीच में बाकी के काम भी जो हैं वो सारे कर रही हूँ, जैसे दूध को फ्रिज में रखना, काउंटर टॉप को थोड़ा सा क्लीन करना, क्योंकि दूध वगैरह थोड़ा बहुत तो गिर ही गया था, मतलब कटोरी में मैंने लिया था ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए पैनकेक अभी यहाँ पे बन रहा है, और बच्चों को मतलब हो गई है हड़बड़ी कि जल्दी से दे दो जल्दी से दे दो। वही मैंने कहा पहले 1-2 बना लेने दो, उसके बाद से फिर देती हूँ, क्योंकि 1 को दो फिर दूसरा देखेगा, मतलब बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो बस देखिए 1 बन गया, दूसरा भी मैंने इसी तरह से इस पर डाल दिया है तवे पे, बस ये भी कुक हो रहा है, और साथ में इसको ढक करके पकाया, और बस अभी इसको भी फ्लिप कर देंगे। और यहाँ पे देखिए आरुष भी बस यही बोल रहा था कि जल्दी से मुझे भी दे दो खाने के लिए, और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो बस ऐसे ही मैंने सारे पैनकेक्स बना लिए थे, साथ के साथ अभी हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, मेरे से भी उन्होंने एप्पल मंगा लिया था और ख़ुद भी लेकर के आ गए थे। तो बस उनको इसमें से खाना था एप्पल, तो बस वही मैं छील रही थी यहाँ पे, क्योंकि आजकल का एप्पल ऐसा आ रहा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा वैक्स लगा रहता है, ऊपर से इतना शाइन करता है, तो इस वजह से मैं छिलका उतार देती हूँ तभी हम लोग खाते हैं। और बस वहाँ यहाँ पे वही मैं छील करके उनको दे आई थी, और इसके बाद से बाकी के जो छोटे मोटे काम थे साथ के साथ निपटाते भी जा रही थी, और यहाँ पे पैनकेक्स भी बनते जा रहे थे, दोनों बच्चों को मैंने दे भी दिए थे। और बस चलिए फ्रेंड्स अभी इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।